नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश भर में बारिश ने जहां कई जगह तबाही मचाई हुई है, वहीं इस बारिश की वजह से कई लोगों का शिक्षक बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात से केवल ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन फीस जमा कराने में हो रही असुविधा की वजह से MNIT में शिक्षकों की भर्ती में कई शिक्षक आवेदन तक नहीं कर पाए और इसीलिए उनकी मांग है कि इस आवेदन तिथि को बढ़ाया जाए। इस कारण से बहुत कम आवेदन आए हैं। MNIT में शिक्षक के प्रत्येक पद के लिए केवल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि ऐसे ही अन्य नियुक्ति प्रकरणों में प्रत्येक पद के लिए 25 या इससे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में भयंकर बाढ़ के हालात हैं, जिसे टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। MNIT काउंसिल के अनुसार 50% सीटें राज्य के बाहर से भरने का मापदंड कैसे पूरा होगा जब आवेदन ही कम प्राप्त हुए हैं और आवेदन की तारीख बढ़ाकर ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करने का विकल्प रखा जाए और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट बने। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर ने शिक्षकों के 234 पदों के लिए जुलाई 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किया था। आवेदन की अंतिम तारीख 19 अगस्त 2017 थी, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन लिंक से ही आवेदन किया जा सकता था। प्रतिभागी को फीस भी ऑनलाइन ही जमा करानी थी। उसके बाद ऑनलाइन भरे फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालकर MNIT भेजने की आखिरी तारीख 27 अगस्त रखी गई है। पूरे देश के कई राज्यों में जुलाई अगस्त में बाढ़ के हालात रहे हैं। बाढ़ के हालातों वाले राज्य में NDRF की बचाव टीमें काम कर रही हैं। बाढ़ की वजह से कई शहरों और इलाकों के टेलीफोन लाइनें और इंटरनेट सेवा बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन और सिर्फ ऑनलाइन फीस जमा कराने का तरीका सही नहीं है। बड़ौदा की एक प्रतिभागी दीप्ति का कहना है कि ऑफलाइन का विकल्प नहीं देना बिल्कुल गलत है और इससे कई योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से ही वंचित रह गए हैं। MNIT के मेल ID और सोशल मीडिया पर ऐसे पीड़ित प्रतिभागियों की कई पोस्ट हैं जो तारीख बढ़ाने और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ प्रतिभागियों ने तो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय में भी इस बाबत शिकायत की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मनीष सर अपने चहेतों को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करवा रहे थे? ऑफलाइन नहीं होने से लोगों को जानकारी ही नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ के हालातों में भर्ती पोस्टपोन्ड या डेट बढ़ाई क्यों नहीं जा रही?